उन्हीं सारी बातों के साथ इस हफ्ते एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई जो हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ही कंफर्म मानी जा रही थी कि रामायण के रीबूट को लेकर रीबूट मतलब रीबूट अब देखो नहीं अब अपन जो अपने साथ हुआ उस हिसाब से तो अपन को रीबूट ही डिजर्व करते हैं क्योंकि मैं उसे कंसीडर नहीं करता। रीबूट तुम तब कहते जब टी सीरीज वाले खुद बना रहे हैं ना कि हाँ चलो एक बार नहीं हो गया तो अब दूसरी हाँ बार नहीं मतलब वो हाँ। कैसे दया कहती है अपने टप्पू के पापा के अच्छा, आप समझ गए ना अच्छा, बस टप्पू के पापा बना दे तो ओ भाई डैडी हैं हम क्या करें चलो आगे वाला मीम देखा था कि नहीं अभी टप्पू के पापा हमको रजाई में खींच लिए फिर दो घंटे अरे वो भाभी जी घर पे हैं इन्हीं सब की हरकतों की वजह से टेलीकास्टर्स को शो को 10:30 बजे चालू करना पड़ता है रात में सारे सही प्राणी की वहां डायलॉग देखते देखते यहाँ प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। अगर आप अगर आपको नहीं पता किस बारे में बात हो रही है तो ये सारे प्रीमियम के कारण है। मीम रिएक्शन किया था अपन ने यार वो भी देखने को जल्दी आपको मिल जाएगा तो इसीलिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप और मीम जरूर शेयर करिएगा हमारे डिस्कॉर्ड पे हम उस पर रिएक्शन करेंगे। मगर खैर नितेश तिवारी बना रहे हैं जो कि उनका करियर बहुत ही इलैबोरेट नहीं है। चिल्लर पार्टी बनाई हुई है और भी उन्होंने सलमान दंगल बनाई हुई है छिछोरे छिछोरे मुझे बहुत अच्छी लगी थी छिछोरे दंगल अच्छी नहीं लगी थी दंगल सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से नहीं आमिर खान गुडविल 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 गया भाई गुडविल गया भीजिएगा इट इज डन सलमान खान ओ माय गॉड ओ माय गॉड अरे नहीं मोहित क्या बोला था एक बार गुडविल खराब हो गई तो फिर डेस्परेट होकर काम करना पड़ता है नहीं मैं पीछे हो रहा मैडम कल्चर से कैंसिल गुडविल गया गधे की गांड में देखो मैंने शुरू में क्या हुआ मैं खुद से परेशान भी होता हूँ खुद से सवाल भी करता हूँ खुद को आंसर भी देता हूँ अब तो मैंने को भाई जान के फैंस भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने सुल्तान के साथ कंफ्यूज कर दिया अरे तो क्या कर गए अब तुम समझ गए ना नहीं समझे अपने पापा भी नहीं समझेंगे इसको तो क्या बात कर रहा था तुमने जैसे सलमान खान का नाम ले रहा है मेरे माइंड में काउंटडाउन चालू हो गया कि अगर ये 5 सेकंड के अंदर इस चीज को करेक्ट नहीं कर पाया मैं 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो गया मैंने कहा चल क्या रहा है नहीं मुझे क्लिक हुआ कि नहीं वो सलमान खान की रही थी वो उनकी पिक्चर थी अखाड़े वाली ठीक है विजय छिछोरे में कौन था सुशांत सिंह राजपूत चलो इतना तो पता चलो ठीक आगे आगे तो बताओ फिर क्या हाँ क्या वही बता रहा था कि उनका करियर बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट नहीं है और सुनने पिंक पूला वालों के एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया हुआ था कि ब्रेकिंग न्यूज कंफर्म है उसमें यश होंगे एज रावण ट्रिलोजी पार्ट होगी और एक सदर्न एक्ट्रेस है साई पल्लवी करके जिसमें अपने रणबीर कपूर अपने श्री राम प्ले करने वाले हैं तो उसको लेकर कितनी अच्छी बातें भी निकल के आ रही कितनी बुरी बातें भी आ रही थी लेकिन ये भी बात बताया गया कि मूवी के VFX तैयार कर लिए गए हैं डीने उनके साथ जुड़ा हुआ है मतलब बहुत प्री प्रोडक्शन काफी हद तक बहुत अच्छा लेकिन ऑफिशियल स्टूडियोज मतलब कोई हिंट क्यों नहीं दे रहे हैं अपना मतलब स्टूडियो तक नहीं पता कौन कैसे कर रहा है नितेश तिवारी किसके साथ कर रहे हैं तो ये न्यूज ऑफिशियल नहीं हुई है ना नहीं ऑफिशियल नहीं है रूमर्स ही चल रहा है लेकिन क्या है ना कि इतने टाइम से अपन यश की न्यूज आज से सुन रहे हैं कि भाई रामायण में रावण के लिए क्या था तो मैं वही मान के चलता हूँ कि भाई यार धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है और भाई इतनी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर है कि मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी कायदे से कैसे वो प्लान उनका इलैबोरेट कैसा है वो अभी तक नहीं बताया गया ट्रस्टेड सोर्स है मतलब काफी ट्रस्टेड सोर्स से निकल के आ रही है हाँ काफी ट्रस्टेड सोर्स है मतलब हिमेश जो रिपोर्ट कर रहे हो तो काफी ट्रस्टेड वो है ना हाँ तो मतलब आई थिंक कि कहीं तो कुछ तो होगा नहीं वो तो है मतलब आग लगी हुई है तो ही धुआं दिख रहा है ये वाली बात है बट स्टूडियो वगैरह का इसलिए नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक कुछ हुआ नहीं रहेगा ऐसे अनाउंस वगैरह करने के लिए या फिर पेपर पे साइन भी कर लिया होगा तो एक अनाउंसमेंट का प्रोसेस होता है ना मूवी ये करने का कि आप धीरे धीरे करके बिल्ड करते हो हाँ। मेरे को लगता है एक चीज ये भी हो सकती है ना कि वो जो प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं वो राइट नाउ अनाउंस करने का वही बात से आफ्टर द मेस द आदिपुरुष वाज वो नहीं चाहते कि अभी उनके ऊपर वो जो नेगेटिविटी वाला प्रेशर हो ना मतलब उनके पास कुछ सब्सटेंशियल हो दिखाने के लिए एटलीस्ट फर्स्ट लुक हो या कुछ
स्क्रीन टेस्ट हो या कुछ कुछ हो उनके पास दिखाने के लिए, उसके बाद ही वो अनाउंसमेंट करेंगे. हाँ नहीं, कुछ कुछ रखना चाहिए उनको अपने पास में भी. हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन उन कर लिया उन्होंने और चीजें अभी भी अंडर द रैप्स. और ये भी तुम देखो ना कि जितने टाइम से मतलब वो न्यूज आ रही है उसकी कि भाई ये एक्टर को अप्रोच किया, वो एक्टर को अप्रोच किया, तो जब तक शूटिंग चालू नहीं होती तब तक तो एटलीस्ट वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इस चीज को एकदम पब्लिक करने का ऑफिशियल, कि हाँ भाई पता चला अगले महीने न्यूज आई कि नहीं ये एक्टर अब मना कर रहा है, पीछे हट जा रहा है. नहीं कितनी बार होता है, अपन ने अश्वत्थामा के साथ कितना देखा, बन रही है बन रही है बन रही है, फिर नहीं बन रही, पोस्टर फिर वापस बन रही है बन रही है, फिर नहीं बन रही. अबे वो तो मतलब वो पिक्चर तो भाई बहुत ट्रेजिक उसका हो रहा, मतलब ट्रेजिक ट्रेजिक्ट्री रही उस पिक्चर. विकी कौशल शायद पोस्टर उस तक शेयर कर दिए थे अपने हैंडल पे और फिर बाद में कह दो अब वो नहीं है पिक्चर. उनके करियर की बहुत बड़ी पिक्चर हो सकती है. सही में.